Hello friends, welcome back. So today we are going to understand our lesson number twelve, birbal and the Washerman from Class Sixth English Reader. In this chapter, we will know a short story with birbal and the Washerman with their courtiers. So in this chapter, we will going to take characters. The, these characters are firstly here are Upper and uh, bull their courtiers, and the Crown Criers. टाउन क्रायर्स होते हैं जो कि गांव में जो भी इंफॉर्मेशन होती है राजा को जो भी इंफॉर्मेशन गांव वालों को देना होती है वो जाकर देते हैं वो होते हैं टाउन क्रायर उसके बाद है मैसेंजर, देन है दिनू द वॉशरमैन उसके बाद है कुसुम कुसुम जो है वो वॉशरमैन की वाइफ है उसके बाद दीनू एंड कुसुम्स के चिल्ड्रंस हैं सबसे पहले यहाँ पर इस चैप्टर में सीन वन स्टार्ट होता है इस सीन में हमें बताया गया है मॉर्निंग का सीन है इट्स विंटर सर्दियों का टाइम है मॉर्निंग है अकबर एंड बीरबल आर पेसिंग द फ्लोर अकबर और जो बीरबल है वो फ्लोर के सामने जो है वो बैठे हुए हैं इन द पैलेस बालकनी अपने बालकनी के पैलेस में फ्लोर के सामने बैठे हुए हैं द बालकनी ऑफर्स गुड व्यू ऑफ द रिवर उस बालकनी से सामने जो रिवर है उसका बहुत अच्छा व्यू आ रहा है अकबर कहते हैं बीरबल आई हैव हर्ड दैट द वॉटर ऑफ दिस रिवर इज एक्सट्रीमली कोल्ड इज दैट ट्रू बीरबल है कि इस रिवर का जो पानी है वो एक्सट्रीमली यानी कि बहुत ज्यादा जो है वो ठंडा है इज दैट ट्रू क्या ये सही है क्या मैंने सही सुना है बीरबल कहते हैं यस योर मजेस्टी यस मेरे आका यू हैव ऑल्सो हर्ड द सेम आई हैव ऑल्सो हर्ड द सेम मैंने भी सेम ऐसा ही सुना है अकबर कहते हैं वॉट डू यू थिंक विल हैपन Uh, अकबर कहते हैं तुम्हें क्या लगता है क्या होगा इफ अ मैन स्टैंड इन द कोल्ड वाटर ऑल थ्रू द नाइट विल ही डाई क्या होगा अगर इस ठंडे पानी में कोई भी एक व्यक्ति पूरी रात खड़ा रहे तो क्या होगा विल ही डाइट क्या वह मर जाएगा बीरबल कहते हैं सर्टेनली हो सकता है मेरे आका नो ऑर्डिनरी मैन कैन सर्वाइव आफ्टर स्टेइंग फॉर सच लॉन्ग टाइम इन द कोल्ड वाटर हो सकता है वह मर जाए क्योंकि इतने ठंडे पानी में कोई भी एक साधारण uh, कोई भी व्यक्ति है वो इतने लंबे समय तक इस पानी में ठंडे पानी में खड़ा नहीं रह सकता अकबर कहते हैं थिंग्स फॉर अ वायलेंट सी कुछ समय सोचने के बाद अकबर कहता है आई हैव एन आइडिया मेरे पास एक आइडिया है द एम्पर विस फॉर समथिंग बीरबल सीर बीरबल इज सरप्राइज द एम्पर वर्ड्स तो जो अकबर है वो बीरबल के कानों में कुछ कहते हैं बीरबल इज सरप्राइज द एम्पर वर्ड्स तो ये सुनकर जो बीरबल है वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है उसके बाद सीन यहाँ पर

लाउडली लिसन लिसन टाउन क्रायर जो है वो जोर से चिल्लाता है लिसन लिसन सुनो सुनो बाय द ऑर्डर ऑफ द एम्पर एम्पर अकबर के ऑर्डर से एनी वन हु द कोल्ड वाटर कोई भी व्यक्ति जो इस नदी के ठंडे पानी में इन फ्रंट ऑफ द किंग्स पैलेस जो कि किंग पैलेस के सामने ये जो नदी है उसमें जो भी ऑल थ्रू द नाइट सारी रात इस पानी में खड़ा रहेगा विल बी एम्पली रिवॉर्डेड उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा लिसन लिसन सुनो सुनो इस तरह से ये वर्ड्स जो है वो टाउन क्रायर पूरे टाउन में अनाउंस कर देता है मूव्स टू अनादर बिजी एरिया टू मेक द सेम अनाउंसमेंट इसके बाद वह दूसरी बिजी एरिया में जाता है और यही सेम अनाउंसमेंट वो बार बार हर जगह हर मार्केट प्लेस हर टाउन क्रायर में करता है पीपल स्टैंड इन द ग्रुप्स एंड डिस्कस द अनाउंसमेंट पीपल जो लोग आगे आपस में गैदर होते हैं हो और इस अनाउंसमेंट के बारे में आपस में डिस्कस करते हैं नो बडी इज रेडी टू एक्सेप्ट चलेंज कोई भी इस चलेज को लेने के लिए एक्सेप्ट नहीं करेगा अवर वॉशन मैन ऑल्सो लिस्ट

इस रिवर के पानी में पूरी रात खड़ा होने में सक्सीड हो जाता हूँ आई विल गेट द बिग रिवॉर्ड तो मुझे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा एंड वी विल बी एबल टू लिव वेल और उसके बाद हमारी जो लाइफ है वो बहुत अच्छी हो जाएगी कुसुम कहती है नो no, नो no, नहीं नहीं डोंट एवर थिंक ऑफ टिंग सच रिस्क कभी भी ऐसा रिस्क लेने की सोचना भी मत तो दीनों कहता है यू डिडंट नोट वरी तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है नथिंग विल हैपन टू मी मुझे कुछ नहीं होगा आफ्टर ऑल इसके बाद आई एम ऑलसो यूज टू वॉशिंग क्लॉथ्स एंड कोल्ड एंड वाटर एवरी डे क्योंकि मैं भी आखिर एक वॉशर मैन हूं मैं जो हूँ ठंडे पानी से ऑल थ्रू एवरी डे हर रोज

Another, दूसरा मैन कहता crazy, है ये पागल है डूइंग सच अ फूलिश थिंग फॉर मनी वह पैसे के लिए ये बेकार सा काम कर रहा है वेल लेट अस प्रे फॉर हिज सेफ्टी आओ चलो कोई बात नहीं हम इसकी सेफ्टी के लिए इसकी जिंदगी के लिए प्रे करते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह दिनू शिवरिंग बैडली दिनों बहुत ज्यादा ठंड से कांप रहा था कि स्टूड इन द रिवर ऑल थ्रू द नाइट में सारी रात उस नदी में खड़ा रहा ही हैज सक्सेसफुली रीच द टारगेट उसने फाइनली अपना टारगेट पूरा कर लिया था पीपल कॉन्ग्रेचुलेट हिम ऑन इस वंडरफुल अचीवमेंट तो लोग बाग उसको बधाई दे रहे थे उसके अचीवमेंट पर उसने कहती हैप्पी खुश होकर हुए ओ सो यू हैव डन इट तुमने कर दिखाया थैंक गॉड यू आर ऑल राइट भगवान का शुक्र है कि तुम ठीक ठाक हो आई वॉज सो वरीड मुझे बहुत चिंता हो रही थी आई कैप्टन प्रेंग फॉर योर सेफ्टी द होल नाइट मैं सारी रात तुम्हारी सेफ्टी के लिए भगवान से प्रे करती रही एट लास्ट आखिर में गॉड हैज हर्ड अवर प्रेयर्स भगवान ने हमारी प्रेयर सुन ली एंड यू आर द लकीस्ट पर्सन टू गेट द बिग रिवॉर्ड और तुम बहुत ज्यादा लकी पर्सन हो कि तुम्हें यह रिवॉर्ड मिलेगा आई आई एम रियली प्राउड ऑफ यू मुझे तुम पर बहुत ज्यादा गर्व है यहाँ से सीन नंबर फोर स्टार्ट होता है अकबर के कोर्ट में द सिटिंग ऑन थ्रोन थ्रोन अकबर अपने पर अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं बीरबल बीरबल डिसाइड उसके साथ उनके साइड में खड़ा खड़े हुए हैं द कोर्टियर्स एंड गार्ड्स आर स्टैंडिंग इन दरबार और कोर्टियर्स हैं जितने भी दरबारी हैं और जो भी गार्ड हैं वो दरबार में खड़े हुए हैं साइड में दिनो एंड फैमिली एंटर द दरबार दो बिफोर द किंग दिनो और उसकी फैमिली दरबार में आती है और किंग के सामने सर चुकाती है दिनो कहता है सैल्यूटेशन योर मजेस्टी आपको

इंटरप्ट करते हैं कोर्टियर कहते हैं योर मजेस्टी मेरे आका व्हाट आर यू डूइंग ये आप क्या कर रहे हो दिस मैन ड नॉट डिजर्व द रिवॉर्ड ये मैन जो है वो कोई भी इनाम पाने के लिए डिजर्व नहीं करता है एज इट डिड नॉट स्टैंड इन द कोल्ड वाटर विदाउट एनी हेल्प ऐसा नहीं हो सकता कि बिना किसी चीज की मदद के ये पूरी रात इस पानी में खड़ा रहे और इसको कुछ भी ना हो ऑल द कोर्टियरप्राइज एंडेड एंड एक्सप्लेनेशन सभी कोर्टियर जो है वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं और चाहते हैं इसका एक्सप्लेनेशन की ऐसा क्या है ऐसा क्यों नहीं है तो वह सुनना चाहते हैं तो कोर्टियर कहता है और मजेस्टी मेरे आका एक्चुअली द लाइट फ्रॉम योर पैलेस वॉशरमैन वॉम ऑल थ्रू द नाइट एक्चुअल में जो आपके पैलेस में जो लाइटें चलती हैं और उस लाइट का जो रिफ्लेक्शन है वो पानी में जाता है उस पानी से जो है वो इसको गर्मी मिल रही थी जिस वजह से ये सारे रात उसमें उस पानी में खड़ा रहा अकबर थॉट बुली अकबर सोचते हुए कहते हैं यू हैव अ पॉइंट हाँ तुम सही कह रहे हो शायद वेल इन दैट केस अगर ऐसा है तो इस केस में देर इज नो क्वेश्चन फॉर अ रिवॉर्ड तो उसको रिवॉर्ड देने का कोई भी सवाल नहीं उठता है पुअर दिनू गोज अवे सैडली फैमिली बीरबल इज अनहैप्पी अबाउट इट और पुअर जो दीनू था वो वापस अपनी फैमिली के साथ दुख में चला गया बीरबल इज अनहैप्पी अबाउट था लेकिन बीरबल को ये चीज पसंद नहीं आई यहां से सीन नंबर फाइव शुरू होता है उसके बाद द नेक्स्ट डे दूसरे दिन एट अकबर कोर्ट अकबर के दरबार में ऑल आर सिटिंग सभी लोग बैठे थे बट बीरबल सीट इज एम्प्टी लेकिन बीरबल की सीट खाली थी अकबर कहता है Why has not अभी तक क्यों नहीं आए हैं? वह तो हमेशा समय पर आ जाता है A messenger arrived. उतने समय में एक messenger है जो वहां पहुंचते हैं मैसेंजर योर मजेस्टी मेरे आका द मिनिस्टर इन हाउस मिनिस्टर अपने हाउस में है एंड ही सेज ही विल लेट टुडे और उन्होंने कहा है कि आज भी आने में लेट हो जाएंगे अकबर कहते हैं वाई क्यों क्यों लेट हो जाएगा मैसेंजर कहता है योर मजस्टी ही इज कुकिंग फूड एंड विल टेक लॉन्ग वह खाना पका रहे हैं और उस खाने को पकने में बहुत ज्यादा समय लगेगा अकबर कहते हैं गुस्से में वॉट नॉन सेंस ये क्या बात हुई वाई क्यों वी शैल गो एंड फाइंड आउट ऐसा क्यों है चलो हम चलकर पता करते हैं अकबर गेट्स अप एंड वॉक्स क्विकली टूवर्ड्स बीरबल्स हाउस बाय सम एंड गार्ड्स अकबर खड़े होते हैं और जल्दी जल्दी जाने लगते हैं बीबल की तरफ हाउस में बीरबल के हाउस में बाय सम पीछे -पीछे उनके कुछ कोर्टियर्स और उनके गार्ड्स उनके पीछे चल रहे थे सीन नंबर सिक्स यहाँ से स्टार्ट होता है बीरबल के हाउस में बीरबल इज सिटिंग नियर ऑफ फायर ऑन द ग्राउंड बीरबल अपने ग्राउंड में एक आग जलाकर बैठे हुए थे अबव फार अबव इट और उसके ऊपर बैलेंस्ड ऑन ट्राई पॉड एक आग के बहुत ऊपर जाकर एक टॉल ट्राई यानी कि तीन ऐसे बांसों से उन्होंने एक एक बनाया हुआ था, इस एक एक हुआ था था कुकिंग कुकिंग पॉट पॉट और उसके ऊपर रखा अकबर कहते हैं बीरबल हाउ स्टूपिड बीरबल तुम कितने बुद्धू हो यू हैव कैप्ट पॉट सो फार अब फायर तुमने आग से उस पॉट को बहुत ज्यादा दूर रखा हुआ है हाउ कैन दिस फायर कुक योर फूड तो ये जो आग है वो तुम्हारा खाना कैसे पकाएगी बीरबल कहते हैं विद अ विदिंकल इन आइस अपनी आंखों में ट्विंकल भरते हुए कहते हैं इफ दिस फायर कांट कुक फूड इन दिस कुकिंग पॉट अगर ये फायर इस फूड में इस कुकिंग पॉट में रखा हुआ फूड खाने को नहीं पका पाती है हाउ कैन द लाइट्स ऑफ योर पैलेस वॉम दी नू इन द कोल्ड वाटर ऑफ द यमुना तो यमुना के उस ठंडे पानी में किस तरह से आपके पैलेस की वार्म लाइट उसको गर्म रखती अकबर इमीडिएटली रियलाइज दिस रॉन्ग डिसीजन कॉल्स फॉर द वॉशरमैन अकबर को उसी समय अपने गलत डिसीजन का रियलाइज हो जाता है कि मैंने सही नहीं किया और वहन को बुलवाते हैं सीन नंबर फैमिली के साथ दरबार में आते हैं अकबर के, uh, के हाथ में पकड़ा देते हैं गिफ्ट टू दिनू जो कि वही दिनू को देने वाले होते हैं दिनू एज वेल एज फैमिली आर वेरी हैप्पी दिनू और उसकी फैमिली बहुत ज्यादा खुश हुई पीपल चीयर एंड पीपल उसको चेयर करने लगे उसके लिए क्लैप करने लगे पीपल एप्रिशिएट जस्टिस दिनू पीपल अब जाकर लोगों को एप्रिशिएशन किया लोगों ने जो जस्टिस दिनू के साथ की गई इसके बाद हम सबसे पहले एक्सरसाइज शुरू करते हैं सबसे पहले हमें वर्ड पावर दी गई है तो फर्स्ट यहाँ पर कुछ पजल दी गई है फर्स्ट में हमारा पर्सन हु वर्क इन अ किंग्स कोर्ट किंग्स के कोर्ट में काम करने वाले वर्कर को क्या बोलते हैं सो ही इज कॉल्ड कोर्टियर सो सी ओ यू आर टी आई ई आर कोर्टियर सेकेंड है हमारा इज ऑल्सो किंग किंग को और क्या कहते हैं सो किंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज एम्पायर थर्ड है हमारा किंग्स वेयर दियर हैड किंग ये अपने सर पर पहनते हैं सो इट इज कॉल्ड क्राउन नेक्स्ट है हमारा अंग्स सीट किंग की सीट को और क्या बोलते हैं सो किंग सीट इज ऑल्सो कॉल्ड एज थ्रोन नेक्स्ट आते हैं कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन में आंसर द विद यस और नो हमें यस और नो से फिल करना है आंसर फर्स्ट है बीरबल वॉज द किंग या बीरबल किंग थे सो नो बीरबल नॉट द किंग सेकंड है अकबर वॉज अ जेनरस किंग अकबर एक बहुत ज्यादा जेनरस किंग थे यस yes. थर्ड है दिनू वॉज अ मिनिस्टर सो नो दिनू वॉज नॉट अ मिनिस्टर दिनू वॉज अ फोर्थ है द वॉशिंगमैन वॉज अ ग्रीडी मैन सुनो वॉशिंग मैन वॉज नॉट अ ग्रीडी मैन कुसुम नॉट हेल्प हर हस्बेंड सो नो उसके बाद सेकंड है हु सेट टू हूम किसने किससे कहा वाटर ऑफ दिस रिवर इज वेरी कोल्ड सो अकबर सैट टू बीरबल अकबर कहते हैं बीरबल से उसके बाद सेकंड है विन अ हंड्रेड गोल्ड कॉइन चैलेंज फ्रॉम द किंग ठीक है तो ये टाउन क्रायर कहते हैं किससे लोगों से टाउन क्रायर अनाउंसमेंट करते हैं लोगों को लोगों पर अनाउंसमेंट करते हैं। दीनू। दीनू ये कुसुम कहती है से. Fourth है से। वह खाना बना रहे हैं। ये कौन कहता है सो मैसेंजर टू अकबर मैसेंजर कहता है अकबर से लास्ट है salutations, your Majesty. आपको सलाम हो मेरे आका दीनू कहता है टू अकबर के बाद है हमारे आंसर दिस क्वेश्चन व्हाट वाज़ द अकबर्स चैलेंज अकबर का चैलेंज क्या था सो द अकबर्स चैलेंज वाज़ टू स्टैंड इन द कोल्ड वाटर ऑफ यमुना द होल नाइट ये

what were the courtiers' objections? courtier ke objections. Kya the? so the courtier said that he has taken heat from the lights of the palace. fifth act, how did birbal bring justice to dinu? so the birbal playing a trick, he put some fire on the ground and kept the cooking pot on long tripod, seeing the Akbar himself, and said, how can this fire cook food on such a long distance? to so the birbal made his realize that small fire,

लाउडली क्विक क्या हो जाएगा हमारा क्विकली प्रॉपर का हो जाएगा प्रॉपरली सक्सेसफुली का हो जाएगा हमारा यहाँ पर सक्सेसफुल उसके बाद है हमारा thoughtful का हो जाएगा हमारा thoughtfully, लास्ट है ब्यूटीफुल का हो जाएगा हमारा ब्यूटीफुली और उसके बाद है हेल्पफुल का हमारा होता है helpfully. उसके बाद हम आते हैं हैं। correct adverbs, correct adverbs कर कर हमें complete करने सो फर्स्ट ऑलरेडी दिया गया है सेकंड देखते हैं द टीचर सेट आई विल फाइंड अ वे टू हेल्प यू सो द टीचर्स एडवर्ब्स क्या होते हैं सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं यहां पर जो एडवर्ब्स होते हैं वर्ड्स दैट मॉडिफाइज डिस्क्राइब्स प्रोनाउंसिएट्स वर्ब जो वर्ब को डिस्क्राइब्स करते हैं मॉडिफाइड करते हैं क्वालिफाइड करते हैं फॉर एग्जाम्पल लाउडली वेरी टॉल एक्सेट्रा जितने तो, भी होते हैं सो so, फर्स्ट में आएगा हमारा इस तरह से द टीचर सैड थॉटफुली आई विल फाइंड अ वे टू हेल्प यू थर्ड है द कैप सेल all ऑल caps कैप्स आर तो जब सैप कैप सेलर सैड Sadly, all my cats are gone. Fourth, the patient slapped after the doctor gave him some medicine comfortably. Fifth, Ramesh went home after watching the play so quickly. Sixth, once he got his money, he went home happily. Or last, the lion roared loudly. हु वोक मी अप ओके उसके बाद है लेट्स स्टॉक टॉक टू यूर फ्रेंड्स इन द क्लास एंड फाइंड आउट हु डू योर सेल्फ एक्टिविटी आपके लिए आपको क्लास लेवल पर इसको फिनिश करनी है उसके बाद हमारा आता है लेट्स रीड लेट्स रीड में हमें यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है ड्रीमिंग का उसको हमें ध्यान से पढ़ना है तो आइए चलती चलिए पढ़ते हैं सबसे पहले हमें इस पैसेज में दिया गया है एवरी नाइट यू ड्रीम फोर और फाइव टाइम्स हमें हर रात को जो है वो चार से पांच बार हमें ड्रीम्स आते हैं योर ड्रीम्स कम बिटवी द टाइम्स और डीप स्लीप और ये जो ड्रीम्स होते हैं वो हमें उस समय आते हैं जब हम बहुत ज्यादा गहरी नींद में होते हैं यूजली यू कैन नॉट रिमेंबर योर ड्रीम्स ज्यादातर हमें कुछ अपने जो ड्रीम्स होते हैं वो याद नहीं रहते हैं कुछ हम भूल जाते हैं कुछ जो हमें याद रहते हैं बट समाइम्स लेकिन कभी कभी वैन यू आर सिख जब आप बीमार होते हो यू माइट है आपको बुरे ड्रीम्स uh, आते हैं देट यू रिमेंबर इन द मॉर्निंग जो आपको सुबह होते ही याद रहते हैं आ बैड ड्रीम्स कैन नॉट रीम

चलते भी है यूजली पर्सन कम्स बैक टू द बेड लेकिन वो बाद में वापस से बेड पर भी आ जाते हैं वन नाइट एक दिन इन इंग्लैंड में अ यंग फुटबॉल प्लेयर हैड अ बैड ड्रीम एक यंग फुटबॉल प्लेयर था इंग्लैंड का उसको एक बहुत ज्यादा बुरा जो है वो ड्रीम आता है ही टॉक लाउडली वह बहुत जोर से बोल रहा था देन ही जम्प्ट आउट ऑफ द बैट उसके बाद वह अपने बैट से कूद गया ही रेन थ्रू द रूम अपने रूम में जाता है जम्प्ट आउट ऑफ द विंडो विंडो के बाहर से जम्प करता है एंड फेल इंटू द गार्डन एटीन फीट ब्लो और बिलोटी फीट ब्लो जो गार्डन था उसमें कूद जाता है देन ही रेन ऑन टू द रोड उसके बाद वह सड़क पे चलने लगता है एंड वो कप और से stopped, unheard, अचानक से उसकी नींद खुलती है ही स्टॉप वेरी सरप्राइजिंग बट अन हर्ड अचानक से उसकी नींद खुल जाती है उसे कुछ नहीं होता है लेकिन वह बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है कि एक्चुअल में उसके साथ हुआ क्या उसके हमें कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं फर्स्ट है ड्रीम्स डीप स्लीप सेकंड है वॉट डू द सम पीपल डू इन द ड्रीम्स कुछ लोग अपने ड्रीम्स में क्या करते हैं बैट्स एंड वॉक्स बिटवीन एट दियर ड्रीम्स उसके बाद वैन डू वी हैड बैड्स हमें बैड ड्रीम्स कब आते हैं वी माइट है जब हम बीमार होते हैं वट डू द फुटबॉल प्लेयर डू इन हिज ड्रीम फुटबॉल प्लेयर अपनी ड्रीम्स में क्या कर रहे थे तो द फुटबॉल प्लेयर हैड अ बैड ड्रीम ही टॉक लाउडली देन ही जम्पड आउट ऑफ द बैड एंड ही रेन थ्रू द रूम जंप्ट आउट ऑफ द विंडो एंड fell into the garden 18 feet below then he ran onto the road and wake up he stopped very surprisingly but unhurt last Hemara. do you uh, dreams also write at least three lines about any you have so uh, yes sometimes i also dreams in my uh, and uh, in my dream I found myself doing that things that I love to do the most. so is इस तरह से इस क्वेश्चन को आप अपने अकॉर्डिंग भी फिल कर सकते हैं Let's write राइट में देखते हैं story of akbar and birbal in your own words ek एक अकबर birbal ki की छोटी सी आपको short story कोई भी एक सुनी हुई story लिखना है आपको अपने words में तो यहाँ पर मैं कुछ सुनी हुई मैं मैंने एक बार एक स्टोरी सुनी थी अकबर और बीरबल की मैं यहाँ पर बहुत शॉर्ट स्टोरी है मैं यहाँ पर आपको लिख देती हूँ सो so, अकबर So story is about like Akbar was once infuriated with Birbal and banished him from his kingdom Birbal Traveled to a far away village and assumed a new identity and started working as a farmer. after a couple of weeks akbar started to match birbal and hands asked his shoulders to find where he is and bring him back to the kingdom. अकबर जो थे उनको बीरबल से इतनी ज़्यादा अफेक्शन थी कि बीरबल को एक बार खुद ही डांट कर वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं लेकिन फिर और जब बीरबल चले जाते हैं अपनी आइडेंटिटी चेंज कर लेते हैं कुछ काम करने लगते हैं फिर से वे उनको वापस बुलाने के लिए पूरी पूरी कोशिश करते हैं सो दैट वॉज द फ्रेंडशिप ऑफ बिटवीन द अकबर एंड द बीरबल सो लास्ट हमारा क्वेश्चन है लेट्स डू कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट अबाउट अकबर क्वालिटी अकबर की क्वालिटी से हमें ये चार्ट कम्पलीट करना है बाय एडिंग वर्ड दैट डिस्क्राइब्स सिम डैट कुछ ऐसे वर्ड्स हमें उसमें यूज करने हैं जो कि अकबर को की क्वालिटी को डिस्कब करते हैं सो so, फर्स्ट यहां पर हमें ऑलरेडी वाइस दिया हुआ है सो अकबर वॉज अ वाइस एंड अकबर वॉज ऑल्सो करेजियस लीडर ही इज ऑल्सो ब्रेव ही इज काइंड ही इज इंटेलिजेंट प्रिस्टीजियस फॉरसाइटेड एंड फुल ऑफ जस्टिस सो ये हमारे बिरबुल की अकबर की सॉरी अकबर की क्वालिटीज थी इस तरह से हमारे ये चैप्टर भी कम्पलीट होता है इसके बाद ये हमारे फुल चैप्टर्स कम्प्लीट हो चुके हैं इस सीरीज के लास्ट हमारे रिविजन एक्सरसाइज थर्ड है सो so हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कम्प्लीट करेंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग